राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी को 15 अक्टूबर 2023 को शरद नवरात्रि का आरंभ है और हमें अपने घर के लिए नवरात्रि की पूजा सामग्री किस दिन खरीदनी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। 14 अक्टूबर के दिन श्राद्ध की समाप्ति हो जाएगी और उस दिन अमावस्या भी है, तो अमावस्या की पूजा करने के बाद हम अपने घर से पितरों की विदाई करने के बाद शाम के समय अपने घर की नवरात्रि की पूजा सामग्री को खरीद सकते हैं। नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए और उसे पूरी विधि विधान के साथ हम करेंगे, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ सामग्री ले रखी है जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें दुर्गा पूजा करने के लिए दुर्गा माता की तस्वीर चाहिए और नवरात्रि के 9 दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते तो उनके लिए एक पुस्तक भी चाहिए हमें, और साथ में हमें एक पाटा चाहिए जिसे लकड़ी चौकी जिसे कहते हैं वो इधर है मेरे पास। गंगा जल, तो गंगा जल अभिषेक के लिए चाहिए। तो अगर आपके पास मूर्ति है माता रानी की तो अभिषेक कराने के लिए हमें यहाँ पे गंगा जल चाहिए, और ये मेरे पास है देवी माता की मूर्ति, तो हम इनका अभिषेक करेंगे नवरात्रि के पहले दिन। तो गाइस, यहाँ पे सिर्फ पात्र से जो मेरे पास कलश है जिसमें गंगा जल रखा हुआ है उस पात्र से हम यहाँ पे माता रानी का अभिषेक करेंगे। और पूजा सामग्री में हमें कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कलश है, तो आप धातु का कोई भी कलश ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ तांबे का, मिट्टी का हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, मिट्टी का या फिर आप तांबे का या पीतल का जो भी आप कलश लेना चाहते हैं पानी का वो ले सकते हैं। आचमन के लिए यहाँ पे लिया मैंने एक पानी और जिसमें गंगा जल डालेंगे, साथ में हमारे पास यहाँ नारियल और चुन्नी, तो नारियल के ऊपर रखेंगे हम लाल चुन्नी, और मौसमी फल जो भी आपको मिले वो आपने रखना है। और माता रानी का विशेष भोग होता है पान का पत्ता, तो हमें पान का पत्ता वो वाला लेना है जिसमें हमें डंठल लगी हुई मिले, तो टूटी हुई डंठल वाला हमें पत्ता नहीं लेना है, तो कोई भी अखंडित पत्ता ना हो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें माता रानी की पूजा में आवश्यक चाहिए। और यहाँ पे माता रानी को लाल फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो हम यहाँ पे लाल गुलाब के फूल रखेंगे, साथ में मैंने यहाँ पे पीले फूल रखे हैं और सफ़ेद फूल है मेरे पास, तो खुले फूल रखेंगे। एक हमने यहाँ पे माला ली है, तो यहाँ पे लाल मैंने कपड़ा लिया चौकी पे बिछाने के लिए। नवरात्रि की पूजा में जो विशेष भोग लगाया जाता है माता रानी को वो होता है लौंग के जोड़े का, तो लौंग का जोड़ा हमें वो वाला लेना है जिसमें फूल लगा हो। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो लौंग के जोड़े हैं जिसमें पूरे फूल लगे हुए हैं, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो माता रानी को पताशों का भोग लगाया जाता है लौंग के जोड़े के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है भोग लगाने के लिए। और यहाँ है साथ में मेरे पास पंचमेवा, तो पंचमेवा का भी भोग लगाया जाता है माता रानी को। ये सारी चीज़ें मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे देखिए मिश्री भी ले रखी है, तो मिश्री आपको धागे वाली मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैंने यहाँ पे मिश्री ले रखी है धागे वाली, तो ये भी हमारे प्रसाद का भोग के लिए है। और यहाँ पे चाहिए अब हमें एक दीपक, तो दीपक हमें अखंड ज्योत अगर हमें लगानी है तो इस तरीके का हमें बड़ा दीपक लेना है जिसमें पिन लगी होती है जिसमें हम बाती को लगा सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का भी इस तरीके का दीपक ले सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है, अखंड दीपक है या मिट्टी का कलश है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो नवरात्रि की पूजा में ये मिट्टी का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पीतल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने देसी गाय का घी लिया है, तो अखंड दीपक के लिए गाय के देसी घी का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ विशेष पूजाओं में आप सरसों के तेल का पूजन भी कर सकते हैं, तो सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें अखंड ज्योत कौन सी बाती की बनानी चाहिए, तो यहाँ पर आप रुई की भी बना सकते हैं, तो सवा हाथ की आप बाती बनाइएगा तो लंबी बाती बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने कलावे की बाती बना रखी है, इसको मैंने बल देके सवा हाथ की बाती बनाई है, तो आप इसे सवा हाथ की बाती कलावे की बना सकते हैं, नहीं तो आप सूती जो कपास होता है, सूती जो धागा होता है जिसे हम विष्णु भगवान जी को अर्पण करते हैं उसकी भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये दोनों है, यहाँ पे कच्चे सूत की भी बाती हम बना सकते हैं अखंड दीपक के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमें जो बाती बनाई जाती है ये इस तरीके से बनाई जाती है बल देके, और ये रेडीमेड भी मिलती है और आप इसे घर पे भी बना सकते हैं आसानी से। और हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे पास है सुपारी और हल्दी, तो साबुत सुपारी लेंगे हम और साबुत हल्दी
की गांठ लेंगे तो गौरी और गणेश जी का पूजन करने के लिए हमें सुपारी और हल्दी की आवश्यकता होगी, और साथ में कलश में डालने के लिए भी हमें सुपारी और हल्दी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जब हम कलश की स्थापना करेंगे तो उसके लिए भी हमें ये सुपारी और हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। और जब हम कलश में हमें क्या क्या डालना होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पीली कौड़ी है मेरे पास, तो पीली कौड़ी हम रखेंगे कलश में डालने के लिए, और साथ में हम पैसे यानी कि कोई भी आपको सिक्का रख सकते हैं, 1 रुपये का, 5 रुपये का। तो पीली हल्दी सुपारी और ये फूल माला अक्षत, ये सब चीज़ें हम कलश में डालते हैं। तो कलश जब हम घट स्थापना करते हैं तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि घट स्थापना कैसे करते हैं। और हमें चाहिए पूजा सिंदूर और पूजा कुमकुम। तो सिंदूर, पूजा का सिंदूर अलग होता है और कुमकुम अलग होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग रखनी है हमें। यहाँ पे मेरे पास है अक्षत, इलायची, लौंग, साथ में है ये मेरे पास गुलाल और ये अष्टगंध, और यहाँ पे धूप दीप जो भी आप लें, अगरबत्ती और माचिस मैंने ली है। और गणेश जी के पूजन करने के लिए हमने यहाँ पे जनेऊ लिए है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जनेऊ भी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा की सामग्री में आवश्यक चाहिए, इसलिए ये सारी वस्तुएं हमारी पूजा सामग्री में होनी चाहिए। और दक्षिणा भी हम रखेंगे यहाँ पे, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस दक्षिणा को आप यहाँ रख सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे जब अग्यारी करते हैं या हवन करते हैं तो उसके लिए हमें गाय का गोबर मिल जाए तो वो बहुत ही विशेष माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक दीप है जिसमें गूगल वगैरह लगा हुआ है, और ये मेरे पास अग्यारी करने के लिए साँचा है। तो देखिए, इसी में गाय के गोबर के अंदर ही हमारे ये गूगल और लुबान डला हुआ है, तो हम इसी से ही धूप दीप करेंगे और आरती करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमने अपने पूजा सामग्री को एक साथ रखा है, और नवरात्रि के पहले दिन हम इस तरीके से अपने घर में पूजा पाठ करेंगे। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं अपने घर में किस तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और मेरे वीडियो आपको गाइस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।